नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई सऊदीया से रिलेटेड। यार एक वीडियो अभी आया था मेरे पास में कि मुझे किसी ने भेजा था, ऐसा भी होता है क्या? सऊदी से रिलेटेड बात करेंगे। सऊदी के लोगों को पता है बोलते हैं क्या? बोलते हैं बुद्धू, बोलते हैं लोग बद्दू। हमारी राजस्थानी भाषा में बद्दू बोलते हैं, बद्दू का मतलब होता है मूर्ख इंसान। अब ठीक है सऊदी में अच्छा ही अच्छा है, लेकिन बद्दू भी बहुत है भाई। जो दूसरे देशों के जो लोग जाते हैं उनको ये लगता है कि यार ये तो बेवकूफ हैं, ये तो फालतू हैं, जानवर हैं, चूते लोग हैं, हमारे नौकर हैं, हम इनको कुछ नहीं समझते। और जो लोग फंस जाते हैं उनके साथ ही स्थिति होती है। हमारे राजस्थान की आपको पता है, ये वीडियो आप लोगों को शेयर करना होगा भाई, सब लोगों को। और ऐसे नहीं होता, इंडियन एम्बेसी ये वीडियो में साफ साफ लड़के बोले, इंडियन एम्बेसी क्या झक मार रही है फिर वहाँ पे? इंडियन एम्बेसी के लोग वहाँ अधिकारी बैठे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट उनको लाखों रुपए महीने का पैकेज देती है, एक कले बड़े अहदे पे उनको बैठा रखा है, राजाशाही उनको एक तरह से राजा के तौर पे वो राज करते हैं वहां पे। इंडियन एम्बेसी के लोग वहां पे बैठे हैं और ये बोल रहे हैं कि एम्बेसी हमारी सुनवाई नहीं करे, तो झक मारने के लिए। एम्बेसी का मतलब क्या होता है? एम्बेसी का यही मतलब होता है, एम्बेसी पे अलग से वीडियो डालूंगा। आपके अधिकार आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एम्बेसी पे आप क्या क्या कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी अगर आपका कहना नहीं माने तो आपकी हेल्प करना। इंडियन एम्बेसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमारी एम्बेसी अलग अलग देशों में है, वो झक मारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हमारे टैक्स के पैसों से उनको वहाँ पे दो दो तीन तीन लाख रुपए महीने की उनकी पैकेज होता है, पूरा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट वहन करती है। एक बंदे पे 5 लाख रुपए खर्चा आता है और झक मारने के लिए वहाँ पे बैठे हैं, वो इंडियन लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं वहाँ पे, उनका और कोई काम नहीं है। हमारे इंडिया में दूसरे देशों की जो एम्बेसियाँ बैठी हैं वो क्या करती हैं यहाँ पे? चौधर करती हैं। लेकिन ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं भाई। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर भी करना है आपको। हम लोग 13 बंदे राजस्थान के, कुछ यूपी के हैं, हमें से सारों को इधर लाके कैंप में, हतान कैंप नाम है इसका, जुमेल में हमें यहाँ लाके फंसा दिया है। 6 महीने हो गए, ना तो सैलरी है ना खाने को मिल रहा, रोज जलील करते हैं, कैंप से धक्के निकाल कर सामान फेंक देते हैं और यहाँ का मुदीर है वो हाथ उठाता है हम लोगों पर। हमारे पास बाकायदा की वीडियो है जिससे साबित होता है कि वो हम पे हाथ उठाता है, हमारा मुदीर हमसे बात नहीं करता। ये आप देख सकते हैं, सारे बंदे बैठे हैं, खाने के लिए पॉकेट में पैसा नहीं है, कंपनी दे नहीं रही है, तब से सैलरी नहीं, जब से आए हैं सैलरी नहीं है, हकामा नहीं है, मेडिकल कार्ड नहीं, बीमार होते हैं उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। बंदा मरता है कुछ भी, आप उनसे पूछ सकते हैं तो भाई कुछ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा, बस के बैठ चुके हैं, मुझे सुनता नहीं है। इधर कैंप वाले निकाल देते हैं, धमकियां देते हैं रोज की, आप निकलो वरना आपको मारेंगे। और आज तो हम लोगों पे हाथ भी चगा गया, हमारे पास बकायदा वीडियो जिसे साबित होता है कि हम लोगों पे हाथ उठाया गया। हम लोग वो भी अभी अपलोड कर देंगे, तो प्लीज हमारी इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हम लोगों की जल्दी से जल्दी हेल्प कीजिए। हम लोगों को अरबी भी नहीं आती है, अगर हम किसी से बात करें तब भी हम लोग फंसे हुए हैं। हम 13 बंदे हैं, राजस्थान और यूपी से हैं, तो गवर्नमेंट प्लीज हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ना खाने को कुछ है, भूखे मर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब बाहर इतनी धूप है, उधर हम कहाँ जाएं किस धूप में? बाहर पुलिस घूम रही है, बोलती है आप बाहर क्यों निकलते हैं, अंदर से बाहर निकालते हैं। आज से हमें 4-5 दिन पहले भी निकाला गया था कैंप से, जब रात को 3:30 बजे हम लोगों को सुरता वालों ने आके अंदर करवाया। आज फिर सुबह, कल शाम को हमें हमारे मुदीर ने बोला कि कल सुबह 6 से 8 के बीच में कैंप खाली कर देना। तब हम लोगों ने बोला, कि सर आप सुरता वालों को हैंड ओवर कर दीजिए या हमारे कंपनी को मुदीर को बुला दीजिए। तब सुबह हम लोगों ने साफ मना कर दिया, तो बोलता है कि चलो हम आपके मुदीर से बात करते हैं। फिर कैंपोस ने हमें बुलाया थोड़ी देर के बाद में, फिर बोलता है कि आपका जो कंपनी है वो आपके लिए भेज रहा है, गाड़ी भेज रहा है आप लोगों को लेने के लिए। एक गाड़ी आई, हम लोगों ने जब गाड़ी वाले से जाके बात किया, तब गाड़ी वाले ने हमको बोला कि हमें तो इन्हीं लोगों ने बुलाया है। तब हम लोग गाड़ी वाले से बात कर रहे थे, तब यहाँ का जो सऊदी मुदीर है कैंप का मालिक, उसने आके हम लोगों पे हाथ भी उठाया। उसका भी वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में लाइव कर अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हम हमारी हेल्प कीजिए। हम लोग इतने बंदे यहाँ फंसे हुए बैठे हैं, हम लोगों के पास ना पैसा है ना कुछ खाने का है। हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी भी कॉन्टेक्ट कर रखा है, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। हम लोगों की अभी कोई मदद नहीं हो पा रहा है, तो भारत सरकार और सऊदी सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारी जल्द से जल्द हेल्प की जाए। जय हिंद, जय भारत। ये राजस्थान के 10 बंदे साथियों, 10-12 बंदे ये बता रहे हैं कि हम फंस गए, हमारी पुलिस हेल्प नहीं कर रही है, इंडियन एम्बेसी हेल्प नहीं कर रही है, या फिर वो रबाब मारता है, कूटता है, क्या मतलब होता है इनका? भाई नंबर भी साथ में दे रहा हूँ, इनके आसपास में कोई है इनकी हेल्प करें और इनके ऊपर मुकदमा
अरबी रबाब वो कोई तोप नहीं है, मैं बता दूं वो कोई बड़ा तोप नहीं है, कोई गवर्नर या होगा मंत्री जो अभी आपको पता है इसराइल के प्रधानमंत्री केस में उनके कोर्ट में केस हुआ है भ्रष्टाचार, यानी इतने इतने बड़े पावरफुल लोगों को भी जब कोर्ट में पेश होना पड़ता है क्या औकात है भाई इनकी, अगर ये गलत कर रहे हैं तो इंडियन एम्बेसी का हक नहीं बनता उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा के जेल में डलवाएं। सऊदी का तो कानून ही वैसे हिस्ट्री के बोलने की इतनी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, हमारे राजस्थान के या इंडिया के बंदे वहाँ पे फंसे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ सऊदी में लोगों के साथ ऐसा अगर होता है तो गल्फ में सऊदी में ही होता है, क्योंकि यहाँ के बद्दू लोग होते हैं, इनकी कंपनियाँ जंगलों में होती हैं, फिर उनके साथ वो टॉर्चर करते हैं, उनको ये लगता है कि कुछ नहीं होता लेकिन उनको ये नहीं पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, एक वीडियो वायरल होता है रातों रात लाखों लोगों के पास पहुँच जाता है, पीछे से है ना वाट लग जाती है तुम लोगों की, फिर माफ़ी मांगते फिरते हो, ये हकीकत है। वो सऊदी का रबाब है कबाब है, कोई बड़ा तोप नहीं है, मुकदमा डालो करवाओ उसके ऊपर साफ साफ, लेबर कोर्ट में मुकदमा डालो। अब ये बता रहे हैं बताओ इनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं अखामा है, नहीं मेडिकल, नहीं कोई वीज़ा, नहीं कोई टिकट, क्या है भाई, इंडियन एम्बेसी झकमार रही है फिर वहाँ पे वो अधिकारी क्या कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए साथियों, इस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, उनकी हेल्प करें ताकि इंडियन लोगों को भी अगर कोई देखता है तो उनकी आंखें हो, इंडियन लोगों इंडियन एम्बेसी को टैग करें उनके ट्विटर पे या उनसे आप कॉन्टैक्ट करें साथियों कि ये बंदे उन्होंने कंप्लेन करवा रखी है बाकायदा। एम्बेसी पे अलग से एक वीडियो डालूंगा, अब लंबा हो जाएगा सर साथियों वीडियो, फिर आप भी नहीं देख पाओगे, आज के लिए इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे इस टॉपिक में मैं लंबी बातें आपसे लोगों के साथ करूँगा, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।